मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉक लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ नई मन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ घरेलू टिप्स, समझ लीजिए कुछ अच्छी टिप्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में बहुत पैसे खर्च करते हैं अपने बालों को कर्ली करने के लिए। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से ऐसी थोड़ी सी बातें शेयर करूं जो आप लोगों के घरेलू काम काज के लिए होते हैं। तो देखिए, बालों, सबसे पहले मैं आपको बालों के बारे में बता देती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए शादियों का मौसम आ रहा है और अभी दुर्गा पूजा का भी मौसम आ रहा है, घूमने घामने का मौसम आ रहा है, तो इस टाइम लोग क्या करते हैं, बालों के कई कई डिजाइन और फैशन बनाते हैं। तो मैं आपको बाल कर्ली करके आपको दिखाती हूँ कि बाल कैसे घर में आप अपने आप से कर्ली कर सकते हैं, क्योंकि कर्ली करने के लिए बालों को करीब 3 से 4 हजार तक का खर्चा आता है। तो इस टाइप से देखिए, छोटे छोटे बालों में बेनोनी पहले बांध दिए, ठीक है, कस के। जब आप कहीं जाएंगे उससे करीब आपको 5-6 घंटा पहले ये काम करना होगा। 5-6 घंटा पहले आप बालों को ऐसे करके इस टाइप से पहले आप कस के बेनोनी कर लीजिए, जैसे पोनी बांधते हैं इस टाइप से आपको अच्छे से एकदम पोनी बांधना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप किसी को बोलिए, वो आपके बालों में इस टाइप से छोटे छोटे, ये मैं आपको सैंपल पीस में करके दिखा रही हूँ, पर इसके लिए बाल आपके वॉश होना जरूरी है, बालों को वॉश जरूर कर लेना इसके लिए आप। तो इस टाइप से छोटे छोटे पोनी टाइप इस टाइप से बांधना है। ये मैंने तो फिलहाल एक ही बांधा है। जितना आपको मन करे, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतने से इतने लेंथ में करना है तो इतने से इतने लेंथ में आप कर्ली कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा ही कर्ली करना है तो पूरा कर्ली कर लीजिए। इस टाइप से मैं आपको पूरा कर्ली करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गया, मैंने पूरा ही कर लिया है इसको। ज्यादा देर नहीं, अगर आप 5-6 घंटा पहले कर लेंगे तो आपका हो जाएगा आराम से। फिर आपको कहीं भी जाना हो बालों का, आप कुछ भी फैशन करके आप जा सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया है। इस टाइप से आपको हेयर स्प्रे लाना पड़ेगा। मेरे पास ये हेयर स्प्रे पड़ा हुआ था, एक हेयर स्प्रे आपको मंगवाना पड़ेगा इसके लिए, ज्यादा से ज्यादा 250-300 का आता है ये, और इस टाइप से बालों में लगाना है, अपने बेनोनी में इस टाइप से लगाना है इसको कर्ली करने के लिए, अच्छे से लगाना है। एक एक बेनोनी आपको ऐसे बालों में बांधना है और हेयर स्प्रे जो है इस टाइप से लगाना है, ठीक है। ये मैंने लगा के छोड़ दिया है, जब तक मैं आपको और भी स्टेप बता देती हूँ, और क्या क्या स्टेप मैं आपको सिखाने, क्या क्या टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ। देख, बहुत से लेडीज से हैं बिना चश्मे के, या चश्मा भी नहीं भी लगा रहे हैं तो भी धागे में सुई डालना बहुत दिक्कत आती है। आपको बताती हूँ, अगर आपको सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है तो आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं ये थोड़े से पके हुए चावल में लेकर आई हूँ। चावल तो बनाते होंगे ना घर में आप, तो ये पके हुए चावल में लेकर आई हूँ मैं। इससे आपको आराम से धागे को, ये देखिए थोड़ा सा इधर दिखाओ जूम करके, पहले तो आपको ये धागे को जो है इस टाइप से, पहले धागे को ऐसे करके चावल में इस टाइप से, चावल को मैट करके इस टाइप से इसको पहले मैट करना है, अच्छे से मैट करके फिर इसको धागे को इस टाइप से रगड़ना है। देखिए धागा ये हमारा करक बन गया है, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा चावल लेना है। ये मैंने दूसरा चावल लिया इस टाइप से, ये जो छेद है यहाँ, छेद के पास यहाँ हमें धागे को इस टाइप से रख लेना है और पुश कर देना है चावल को इस टाइप से, इस टाइप से चावल को पुश कर देना है। देखिए पुश कर दिया, ये देखिए हमारा धागा आ गया।
धागा आ गया हमारा, ये देखिए बड़े आराम से आ गया धागा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया ना, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है ना, ये देखिए बड़े आराम से धागा आ गया है। नहीं करना, आराम से चावल के दानों से ऐसे धागे को रख के उसके ऊपर ऐसे पुश कर देना है, पुश करने से ही वो धागा आपका आर पार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ बहुत ही दूसरा और सरल उपाय। बहुत ही आराम से आप बिना किसी के हेल्प से, बिना किसी के चश्मे से आप सुई में धागा आराम से डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। अब मैं थर्ड स्टेप आपको बताती हूँ। देखिए ये है आइसक्रीम का डब्बा, मेरे बच्चे लेकर आए थे 1 किलो का आइसक्रीम डब्बा, तो मैंने इस डब्बे को फेंका नहीं, मैंने धो धा के ये देखिए साफ सुथरा करके रखा है। तो इसको मैं अभी पहले साफ कर लेती हूँ अच्छे से, गीला हो रहा है, धोया था तो गीला हो रहा है, कोई कपड़ा है क्या साफ करने के लिए? देखना, इसको मैं अच्छे से पहले साफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका यूज कैसे करूंगी। क्योंकि देखिए इस टाइप के डब्बे होते हैं, लोग क्या करते हैं खा पी के उसको फेंक देते हैं, पर अगर आप इसको यूज में लाना चाहें तो ये यूज में आ सकता है, कई टाइप के यूज में आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप फ्रिज में कुछ कटी हुई सब्जी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, कटी हुई सब्जी या कटा हुआ फल आप रखना चाहते हैं तो आप इस डब्बे में आराम से रख सकते हैं अपने फ्रिज में। बहुत ही काम आएगा ये, ऐसे डब्बे बहुत ही सही काम आता है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में दवाइयाँ तो आती होंगी, सबकी तबीयत खराब होती है क्योंकि देखिए फैमिली मेंबर्स में दवाई बहुत जरूरी हो गया है। दवाई तो होती है हर एक चीज का, जैसे पेट खराब का भी हो, बुखार का भी हो, कई तरह की दवाइयाँ होती है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से पन्नी में दवाइयों को बांध के हम अपने ड्रॉयर में फेंक के रख देते हैं। पर नहीं, आप क्या करना, ऐसा डब्बा लेना, मेडिकल बॉक्स बनाना उसको घर के काम के लिए, और इस टाइप से जूम करके दिखाओ जरा एक बार, इस टाइप से दवाइयों को आप सही करके रखेंगे, बिल्कुल सही करके इस टाइप से। देखिए देखिए मैं किस टाइप से दवाइयां रख रही हूँ अपना सही करके, सारे दवाइयों को इस टाइप से लाइन से रख देना है, बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी भी डब्बे को फेंकना सही नहीं होता है। ये वाला मेरा खाली हो गया पत्ता, तो मैं इसे फेंक दूंगी, जो खाली हो गया उसको फेंक देना है और जो सही है उसको रख देना है। और भी मेरे पास, ये देखिए मेरे पास ये भी है, जैसे कमर दर्द पीठ दर्द के लिए वॉलिनी, ये भी है मेरे पास, ये भी रख दूंगी। कई तरह के एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये भी रख दूंगी। कई तरह की बिटाडिन वगैरह क्रीम होता है, ये भी रख दूंगी। तो सारी चीजें आप इसके आराम से देखिए कितने आराम से इसके अंदर सेट हो गया है, बड़े आराम से सेट हो गया है। तो इसके अंदर आप अपना सारी चीजें सेट करके रख सकते हैं और डब्बे को कर दीजिए बंद, और ये आपका बन गया है मेडिकल बॉक्स, वो भी आपके फैमिली मेंबर्स का। तो बच्चे दवाई कहाँ पे है, आप बोलेंगे बेटा देखो मेडिकल बॉक्स जो बनाया है ना उसमें है। तो ये आपका बन गया है मेडिकल बॉक्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कैसे छोटे छोटे टिप्स बताए हैं। फ्रेंड्स आप मुझे प्लीज बताइएगा, और सबसे अच्छा है ये धागे का, आप लोग प्लीज ऐसे ही ट्राई करना धागा, बहुत दिक्कत होती है काफी, जैसे एज वगैरह हो जाता है लोगों का तो उन लोगों के लिए काफी दिक्कत होती है सुई में धागा डालना। तो आप इस टाइप से डाल सकते हैं चावलों की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब मैं अपने बाल को खोल के दिखाती हूँ बालों को, कि कैसे मेरे कर्ली बाल बने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से आपके बाल जो है कर्ली बन जाएंगे। हाँ, सारे बालों में आपको करना पड़ेगा, काफी देर तक करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 घंटे तक। मैंने तो मुश्किल में 10 मिनट में किया था, तो 10 मिनट में यही बना है, ज्यादा देर तक मैंने रखा नहीं है क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है, काफी टाइम हो गया है, तो इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो को जल्दी जल्दी एंड करती हूँ। तो इसलिए चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। आपको मेरे ये छोटे मोटे टिप्स आपको कैसे लगे प्लीज बताइएगा, और आगे और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी। और कल है पहला नवरात्रि, तो कल से आप लोग नवरात्रि स्टार्ट करेंगे, घर में खुशियां लाएंगे, तो मैं भी नवरात्रि करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए जय माता दी। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।